आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, वर्चुअली एकादशी का व्रत 16 अप्रैल को रखा जाएगा। इस एकादशी को समस्त पापों को नष्ट करने वाला कहा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की वराह अवतार की पूजा की जाती है। वरुथिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन किए गए कुछ उपायों से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी पर तुलसी के कुछ अचूक उपाय के बारे में। काम में बार बार रुकावट आती है या फिर अक्सर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, तो वरुथिनी एकादशी पर तुलसी माता को जल अर्पित करें। इसके बाद जड़ के पास की गीली मिट्टी उठाकर सभी सदस्यों के माथे में लगा दें। इससे घर के सदस्यों को काम में तरक्की मिलती है, सारे के सारे काम बनते हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। अगर आप जीवन की समस्याओं से परेशान हैं तो वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करने से वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मुश्किलों से मुक्ति दिलाते हैं। अगर आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं तो वरुथिनी एकादशी के दिन गले में तुलसी की माला पहने। इससे आपका मन शांत रहेगा और काम करने की एकाग्रता बढ़ेगी। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। इससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। वरुथिनी एकादशी पर तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। इस मंत्र के जाप से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। अगर आप किसी तरह की आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो वरुथिनी एकादशी के दिन विष्णु जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। विष्णु भगवान को तुलसी के पत्ते अर्पित करने से सुख समृद्धि आती है और तरक्की होती है। तो दोस्तों, ये अचूक उपाय हैं, इन्हें करें वरुथिनी एकादशी पर, अवश्य ही इससे लाभ होगा। और दोस्तों, हम आपसे अब आज्ञा लेते हैं, आपसे अगली मुलाकात फिर होगी नई पोस्ट पे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और मेरा नमस्कार स्वीकार करें।